जब किसी मकान का उद्घाटन होता है ना, है, या मकान का पाया रखाता है, कोई नया प्लाट बन रहा है, मकान बन रहा है, और उसमें कोई नया पाया, पहली बार अगर कोई पाया रखा रहा है, कोई बीम बन रहा है, कालम बन रहा है, उसमें नीचे पाया बना रहा है, तो उसमें जो ब्राह्मण होते हैं, आप जिन वास्तुशास्त्री से पूछेंगे, ब्राह्मण जन से पूछेंगे कि हमारा मकान बन रहा है खड्डा खुदरा, तो उसमें पहले क्या चीज रखें, तो वो बता देगा, इसमें आप नाग नागिन का जोड़ा रख दीजिए, इसमें आप थोड़ा सा कलश में शक्कर भरकर उसमें अमर बेल के टुकड़े डालकर रख दीजिए। पर शिव महापुराण, स्कंद पुराण, वास्तुशास्त्र, अग्नि पुराण और वामन पुराण, ये वामन पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा, अग्नि पुराण के अंतर्गत भी मिलेगा कि यदि नूतन मकान के पाए में एक नारियल के गोले में गुड़ भरकर शमीपत्र रखकर उसको दबा दिया जाए तो उस घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती और क्लेश नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी अहंकारी बहू क्यों ना हो, चाहे कितना भी अभिमान अभिमत्ता रखने वाली सास क्यों ना बहु, उस सास बहु में प्रेम ही रहेगा, क्लेश नहीं हो सकता, उसमें विवाद नहीं हो सकता, उस घर के अंदर जितने भाई रह रहे हो, जितने कुटुंबी रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, उसमें क्लेश का कोई मतलब नहीं हो सकता। चलो याद करिए, पुराने के समय में, पुराने समय में कितना प्रेम होता था भाइयों में, सत्य बोलना, बहनों में, भाइयों में, बुआओं में, इतना बड़ा परिवार और ऐसा प्रेम रहता था, कोई जमीन मांगे ना जायदाद मांगे ना दुकान का हिस्सा मांगे ना रकम मांगे, इतना प्रेम कहां से आता था। तो पुरानी बात याद करो, पहले के समय में ये सीमेंट के मकान बनते थे क्या, अरे बोलते जाओ, नहीं, क्या होता था, चूना मंगवाया जाता था, मिट्टी मंगवाई जाती थी, उसमें गुड़ मिलाया जाता था, बोलो मिलाते थे कि नहीं मिलाते थे, गुड़ मिलाया जाता था और उसमें थोड़ा सा उसको चिकना करने के लिए खोपरे का तेल डाला जाता था। अब वास्तु रीति में तो हमने ये सब चीज छोड़ दिया, हमने ये सब चीज समाप्त कर दिया कि ना तो हम उसमें गुड़ मिला रहे हैं, ना कोई वस्तु मिला रहे हैं, बस सीधे सीमेंट खरीद के लाए और लगा दिया गया। पर उसका वास्तु तत्व क्या है, उसका वास्तु माना, जैसे कोई बहुत बीमार व्यक्ति है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, और उसको कोई औषधि नहीं लग रही, उसको कोई औषधि काम ही नहीं कर रही, तो आप जब उसको भोजन कराएं, पानी पिलाएं, आप उसको कुछ भी खिलाएं, चाहे जूस पिला रहे हो, भोजन करा रहे हो, चाहे सूप पिला रहे हो, उसका मुख यदि आप पूर्व में रखकर खिलाएंगे तो 15 दिन के अंदर वो अपने हाथों से भोजन करना चालू कर देगा, 15 से 16 दिन नहीं होगा। पर यदि आप उसको उत्तर का मुख रखकर, आप उसको पश्चिम का मुख रखकर बीमार व्यक्ति को अगर भोजन कराएंगे, दक्षिण का मुख रखकर भोजन कराएंगे, तो उसको औषधि लगने में बहुत समय लगता है, औषधि इसको 15 दिन बहुत हो गए, बहुत। जैसे दक्षिण की ओर मुख कर भोजन करने वाले व्यक्ति का उधर पेट, वो कहते ना रोग हो जाते पेट के, रोग बहुत सारे हैं महाराज, बहुत रोग है महाराज, पेट से जुड़ा हुआ कब्ज का भी रेबे, गैस का भी रेबे, और ना जाने जाने कितने कितनी बीमारियां उसके अंतर्गत हो जाती हैं। तो ये सारे रोग कैसे होते हैं, दक्षिण में बैठकर अगर आप मुख कर भोजन कर रहे हो तो पेट से जुड़ा हुआ रोग कभी जिंदगी में समाप्त नहीं हो सकता, 50 गोली खा लो, 50 ऑपरेशन करा लो, 50 तरह के डॉक्टर को दिखा, मतलब ये पता है कि आप दक्षिण की ओर बैठकर, दक्षिण की ओर मुख कर आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो आपको वो दुख तो ग्रहण करना ही पड़ेगा, वो दुख तो आपको झेलना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव की कथा कर रही है, स्कंद पुराण वर्णन कर रही है महाराज, सुंदर अग्नि पुराण और वामन पुराण कर रही है, एक गोले में गुड़ शमीपत्र रखकर जो दबाया जाता है उससे जीव को, इसलिए आज भी हमारे यहाँ नियम है, जब आप लोग नहीं दबा पाते तो जब वास्तु पूजन कराने पंडित जी आते हैं तो एक चांदी के, एक तांबे के लोटे में नागनागिन उसमें 70 भरते हैं, 70 भर के उसको दबाते हैं कि भले तुमने गुड़ नहीं रखा तो 70 दबा दो, पर उसको गोले में रखना चाहिए, परंतु उसको रख देते हैं तांबे के कलश में, नियम वही है, पर उसको चेंज कर दिया गया समय अवस्था, समय अवस्था में कर दिया कि उसमें तांबे का कलश रखो, चांदी का नागनागिन रखो, 70 भरो फिर दबा, पर नियम वो है कि नारियल का गोटा हो, गुड़ भरा हो, उसमें भले तुम नागनागिन रखो चाहे कुछ भी रखो, पर समी पत्र अगर रख दिया तो नागनागिन की भी जरूरत नहीं है, समी पत्र रख दिया तो वास्तु की मूर्ति रखने की भी जरूरत नहीं है, समी पत्र में 33 कोटि देवता एक एक पत्ती के रूप में उस समी पत्र के भीतर विराजमान रहते हैं, जिसको हम विराजमान कर रहे हो, सुख समृद्धि वैभव आनंद दे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, हल्दी पिसी हुई, हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें, महाराज यश मिलना प्रारंभ हो जाता। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है,
उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज, मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया जाए, अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। हल्दी का तो स्त्री कहे कि हम शंकर की आराधना कर सकते हैं, हाँ, स्त्री कहे हम शिव को स्पर्श कर सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते क्यों नहीं, अगर सुंदरकांड पढ़ सकते क्यों नहीं, हनुमान और शिव एक ही है, हनुमान और शिव एक ही स्वरूप है, और उस स्वरूप का स्पर्श होना कोई गलत नहीं। कई लोग कहते हैं हनुमान जी के मंदिर में दिया लगाएं कि ना लगाएं, क्यों नहीं, भगवान शंकर पर जो जल चढ़ता है वो उत्तर दिशा की ओर क्यों जाना चाहिए, ठीक है, और पूजन करने वाले व्यक्ति को महाराज दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख करकर शंकर का अनुमोदन क्यों करना चाहिए, ठीक है, जब हम शिव जी की अर्चना करते हैं तो हमारा मुख कहां ज्यादा होना चाहिए, उत्तर की ओर, ठीक है, दक्षिण में, दक्षिण की ओर से हम बैठे हैं जहां भगवान का जल जा रहा है हमारा, उस ओर देखते हुए अर्थात उत्तर की ओर हमारा मुख होकर हम भगवान के शंकर की आराधना करें। जैसे पूर्व अभिमुख होकर शिव की जो आराधना करी जाती है वो एक श्रेष्ठता का फल देते हैं, फल देगी मना नहीं है, पश्चिम की ओर मुख कर जो शंकर की आराधना करी जाती है उसका फल मिलेगा मना नहीं है, पर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर जब हम शंकर की आराधना करते हैं उसका जो फल होता है वो शीघ्र प्राप्त होता है। पर ज्यादातर लोग कैसे करते हैं, आप लोगों ने भी तो करा होगा, बोलो जरा जमकर कहां बैठते हो, महाराज जी उत्तर की ओर तो जलाधारी का मुख है, ऐसे ये शिवलिंग है ये जलाधारी, ये उत्तर की ओर है, तो तुम लोग कहां बैठोगे, ये यहां जा रही है तो ये शिवलिंग है तो तुम इसके सामने बैठोगे, कि जल यहां से जा रहा है तुम उसके सामने बैठो, पर बैठना कहां चाहिए, जहां शिवलिंग है यहां से जल बह रहा है तो यहां बैठो। फिर बाद में लोग कहते हैं महाराज जी हम तो शंकर जी के खूब पूजन करते, हमने तो खूब अनुष्ठान करा पर फल कम क्यों मिला, उसका कारण है पूर्वाभिमुख होकर करोगे मिलेगा पर थोड़ा समय लगेगा, पश्चिम अभिमुख होकर करोगे मिलेगा थोड़ा समय लगेगा, पर शिव आराधना में जब दक्षिण में बैठकर उत्तर का मुख कर जहां शिव का जल जाता है बस यहां बैठकर अगर आप शंकर की आराधना कर रहे हो तो वो कामना पूरी होने में देर नहीं लगती, कार्य जल्दी ही पूर्ण हो जाता। पर दुनिया के लोगों तो वही हिसाब से जाते हैं, जैसे शंकर जी के मंदिर में जाओगे इधर पानी बह रहा है तो तुम सामने जाके जल चढ़ाना चाहोगे या उधर बैठकर जल चढ़ाना चाहोगे, तुम्हारी जो इच्छा है तुम्हारी जो आनंद है, ब्राह्मण भी अगर आपको बिठाएंगे तो पूरा पश्चिम का मुख कर बिठाएंगे, यहां बैठ जाओ यहां से पूजन करो यहां बैठ जाओ, पर उसमें शिव महापुराण में स्कंद पुराण में कहा गया कि भगवान शिव को रिझाने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कि काल को भी जीता जाए और दक्षिणवर्ती का काल हो। जब एक लोटा पानी शंकर जी पे चढ़ता है और वो बहकर बाहर निकलता है वहां पर जैसे ही, और शास्त्र कहता कितनी सुंदर बात कहता है कि जल भी अगर शंकर को चढ़ाना तो उतना चढ़ाना कि बहकर निकल जाए, बहकर निकल जाए, इतना सा जल ले गई और चढ़ा कर आ गई, वो श्रेष्ठता नहीं, वो जल जब बाहर आएगा और जैसे ही वो जल मेरी जलाधारी से अर्थात जो जलाधारी है गोल जहां शिवलिंग रखा है और जहां चरण, तो जलाधारी से जैसे ही नीचे गिरेगा, गिरते ही वो जल का भाग सारी नदी तालाब और बावड़ी और कुंड को प्राप्त हो जाएगा, जैसे ही प्राप्त होगा एक अंश भी अगर जल शिवलिंग पे से गिरता रहेगा निकलता रहेगा सारी नदी तालाब बावड़ी कुंड सब आप रूप ही पावन हो जाएंगे, चाहे कितने भी पापी पाप छोड़कर जाए। तो कहा महाराज अगर पूर्व में जल गिरेगा तो भगवान कहते हैं वो सूर्य को प्राप्त होगा, पश्चिम में जल गिरेगा तो चंद्र को प्राप्त होगा, दक्षिण में जल गिरेगा तो कहा यम को प्राप्त होगा, और उत्तर में जो जल गिरेगा वो सारी नदी तालाब बावड़ी और कुंड को प्राप्त होगा। भगवान के ऊपर एक लोटा, इसलिए कई कई मंदिरों में एक एक बूंद पानी गिरता रहता है, क्यों, पानी जाना चाहिए रहना उसका भाग आनंद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।